हेलो एवरीवन, बहुत बार घर में ब्रेड बच जाती है तो आज हम उन ब्रेड से ब्रेड क्रम्ब बनाकर बहुत ही टेस्टी और बहुत सारी सब्जियों के साथ वेज कटलेट्स बनाएंगे जो कि बहुत आसानी से और फटाफट बन जाते हैं। यहाँ हमने 3 कप ब्रेड क्रम्ब लिए हैं। इसके लिए हमने बची हुई ब्रेड को छोटा छोटा तोड़कर मिक्सी में पीस लिया था। अब इसमें 1/2 कप चावल का आटा डालेंगे। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी ग्रेट करी हुई गाजर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया और 1 कप ग्रेट करा हुआ पनीर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अपनी पसंद की सब्जियों को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। अब हम इसका डो बनाएंगे। अगर हमें डो बनाने के लिए और दही की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको और ऐड कर लेंगे। यहाँ हमारा डो 4 टेबलस्पून दही में रेडी हो गया है। अब हम अपने कटलेट्स तैयार करेंगे। आप जो भी शेप चाहें वो इनको दे सकते हैं। यहाँ मैंने इस शेप के बनाए हैं। ये हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, इसको हमने गरम कर दिया है और गैस की फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे। अब हम अपने कटलेट्स को डीप फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट इनको ऐसे ही रहने दें और इनको हिलाएं ना। उसके बाद इनको पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। देखिए, हमारे कटलेट्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे। आप इनको गरम गरम चाय के साथ और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।